अच्छा बोलिए सुप्रभात, आज आपको पद नंबर 6 करवा जा रहा है। केहू लखन मुनि सुनी मुनि सिलु तुम्हारा कौन ही जात विदित संसारा। केहू लक्ष्मण, लक्ष्मण ने कहा हे मुनि सिलु तुम्हारा, तुम्हारे स्वभाव को कौन ही जान कौन ही जानता, विदित संसार सारा संसार जानता है। लक्ष्मण ने कहा हे मुनि आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात आपके स्वभाव को तो सारा संसार जानता है। माता पिता उरिन भय निके, माता पिता के उरिन ऋण से मुक्त हो गए, निके अच्छी प्रकार से भली प्रकार से, जो माता पिता का ऋण था उससे तो आप अच्छी प्रकार से मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा, गुरु का ऋण रहा सोच सोच करके बढ़ के जी के, जो गुरु ऋण था वो लगातार बढ़ता चला गया और जो माता पिता का ऋण था उससे आप भरी प्रकार से मुक्त हो गए। सो जनों हमसे माथे गाड़ा, और वह ऋण आप हमारे माथे पर निकालना चाहते हैं, हमारे सिर मरना चाहते हैं। दिन चली गए, समय बीतता गया, ब्याज बढ़ बाटा, बाढ़ा बढ़ना, और जो ब्याज की राशि थी वो बढ़ती चली गई, समय के अनुसार ब्याज था वो बढ़ता हुआ चला गया। अब आनीय व्यवहारीय बोली, आनीय बुलाओ व्यवहारीय व्यवहार करने वाले को, अब किसी व्यवहार करने को बुला लाओ। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही धन की थैली खोल करके पैसे दे देता हूं, आप किसी व्यवहार करने वाले को बुला लाओ। सुनी कुटी वचन कुठार सुधारा, सुनी सुन करके कटु वचन कड़वे वचन कुठार सुधारा, परशुराम ने अपने कुल्हाड़े को फरसे को उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी की सारी जो सभा थी वो हाय हाय करने लगी, अर्थात वो कहने लगी ऐसा मत करो ऐसा मत करो। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विपर विचारी बचो नर दोही। भृगुवर परशुराम ने अपने फरसे को देखा, विपर विचारी ब्राह्मण समझकर बचाव बचते रहे, नरपदो ही राजाओं के दुश्मन। हे राजाओं के दुश्मन, तुम ब्राह्मण समझकर मेरे से बचते रहे, मिले न कभी आपको कभी नहीं मिले, क्या सुभट वीर्योधा रण युद्ध में गाढ़े अच्छे। क्या आपको अभी तक वीर्योधा युद्ध के मैदान के अंदर अच्छे नहीं मिले हैं। दी देवता घरी के बाढ़े, बाढ़े का खुश होना फूलना फलना, हे ब्राह्मण देवता आप तो अपने घर के अंदर ही बड़े खुश रहे हो, बड़े फूले फले हो। अनुचित कही सब लोग पुकारा, सारे के सारे लोग कहने लगे कि यह अनुचित है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। रघुपति सैनी भगवान राम ने सैनी तिरछी नजर से देखना, लक्ष्मण को निवारे रोक दिया। भगवान रामचंद्र ने अपने आंख के इशारे से लक्ष्मण को ऐसा करने से रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरीस भृगुवर कोपु कुशान, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, सरीस के समान। भृगुवर कोपु कुशान, और भगवान का जो गुस्सा था वो आग के समान था। बढ़ती देखी जल समोचल बोले रघु कुल भानु, रघुकुल के सूर्य वंश श्री रामचंद्र जी ने लड़ाई को बढ़ता हुआ देख करके कुछ ठंडे वचन लक्ष्मण से कहे। लड़ाई को बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल के वंश सूर्य रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कुछ ठंडे वचन कहे। आपने ये कविता की सह प्रसंग व्याख्या साथ में कठिन शब्द 6 के 6 पैरे इस कविता के पूरे हो चुके हैं। आपने साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है, कठिन शब्द भी याद करने हैं और सह प्रसंग व्याख्या की, अब इसके बाद इसके प्रसंग भी आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।